जितना सोचा था उससे तो मुश्किल है चैट करना। अभी मैं जाऊँ क्या? शायद मेरी बारी अब तो जाना फिर। हाँ ओके। A few moments later. Hello, 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 hello. अरे आ गए हो भी तो। Hey Army, और BTS मैं हूँ हॉबी। क्यूट लग रहे बहुत। प्यारे दर्शकों, मैं आया हूँ आपके सपने और उम्मीद बनके। मेरे पास आज बहुत सारे खिलौने हैं और मैं हूँ DJ हॉबी। हेलो। गजब है हॉबी तो सही तरह होस्ट करेगा शो को। तो दर्शकों, आज मेरे शो में 6 प्यारे और मासूम बच्चे एंटर करेंगे। ठीक है, हम बच्चों की एक्टिंग कर लेंगे। तो दर्शकों, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे बहुत सारे प्यारे से खिलौने रखे हुए हैं जिनके साथ आज हम खेलने वाले हैं। हे, वाह, मजा आएगा। पहले इस बर्ड की बारी। हाँ, क्या लिखा रहे हैं? ट्वर्क करना। अरे क्या बोल रहे, तो बच्चे ऐसी चीजें नहीं करते। अरे तो मासूम टीचर को बिगाड़ेगा। यूंगी ने लिखा, आजकल के बच्चे तो बहुत डेंजरस है। ये तो सही बात है, बड़े शैतान होते हैं बच्चे। अरे यार चिड़िया रानी, टेंशन ना। ओ तेरी यार, ये क्या हुआ? हॉबी ने चिड़िया को मार डाला। यार पता नहीं कैसे गिर गई बेचारी, शुरू की देर से होगी ये। है? ओ अच्छा, अभी समझ आ गया मेरे को। बढ़िया लग रही ना। अरे है, मस्त गाने बज रहे यार इसमें तो। दर्शकों, ये फ्लेमिंगो रोड पे जाके लड़ाई भी कर सकती है और हमारी तरह डायनामाइट पे नाच भी सकती है। ओके, तो अभी इससे कराना क्या भाई? है, ये तो इधर भी नाच रही है। है? हाँ। ये क्या बोल रही है समझ नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, इग्नोर कर दी तुझे। दर्शकों, पैकेट पे लिखा है इसे ऑरेंज पाउडर खिलाने से टॉयलेट में पूप करेगी। बस इसी काम के लिए है क्या ये खिलौना? हाँ यार, लिखा तो यही है इस पे, देखते हैं। चलो भाई दिखाओ क्या ही करेगी ये। ये क्या अजीब सी चीजें कहते हैं शो में। बच्चों को आजकल यही सब कहानियाँ पसंद आती है क्या? पैकेट तो खुल गया यार, पर ये फ्लेमिंगो क्या बोले जा रही जब से। वो बेचारी भी शो में आना चाहती है। अब हम इस टॉयलेट सीट में पानी डालेंगे। और तुम सब क्या लिख रहे हो? फ्लेमिंगो मेरे से अच्छा शो चलाती है, मेरे से फनी है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम खुश रहो भाई। चलो तो दर्शकों ध्यान देना, अब हम इस फ्लेमिंगो को ये ऑरेंज पाउडर खिलाएंगे, उसके बाद कुछ गजब ही होगा देखना। ये क्या खिला रहा है, एनिमा है क्या? दर्शकों, ये है हमारी चिड़िया रानी का स्पेशल खाना। ये ले पी ले फ्लेमिंगो बेटा, पूरा खत्म करना है, देखो जल्दी जल्दी पी जा, दर्शक इंतजार कर रहे हैं। ओह बहुत बढ़िया, फ्लेमिंगो ने सारा खाना फिनिश कर दिया। अभी देखना दर्शकों क्या होगा। है? ओहो, हमारी चिड़िया रानी का तो बैलेंस बिगड़ रहा है। लगता है बेचारी ने ज्यादा ही खाना खा लिया। ध्यान से बैठ जा भाई, पता नहीं क्या ही हो रहा है ये। है? अब हम इसे थोड़ी देर अकेला छोड़ देते हैं, आराम से अपना काम कर लेगी बेचारी, हजम होने में इतना टाइम। दर्शकों, मैं सबको पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, अगर ये शो देखते हुए आप कुछ खा रहे हो ना तो बेशक से छोड़ देना यार। अगर आपका मन खराब हुआ तो मेरी गलती नहीं है। है ओ, कुछ तो आ रहा है यार। है, एक मिनट, कर रही है कुछ तो, कर रही है ये सीट में। ओ लगता है करती इसने पुपी शुपी, देखते हैं। ये क्या देख रहे हैं यार हम। कुछ हुआ क्या? वाह यार गजब, दिख तो रहा है वहाँ पे कुछ। बस अब जिंदगी में फ्लेमिंगो का पुपू देखना ही बचा था क्या? जल्दी करो टीचर जी, वेट में है हम। ओहो बड़े उतावले हो रहे हो तुम सब तो। रुको रुको, अभी देखता हूँ क्या किया है। ओहो कर दिया भाई, देखो वैसे सीट ट्रांसपेरेंट है, यहाँ से भी दिख गया होगा तुम सबको। है? ओ बहुत बढ़िया। इसने कर तो दिया यार, पर ये तो थोड़ा पानी पानी हो गया, हार्ड नहीं है बिल्कुल। इतनी डिटेल बता रहे तो ये भी बता तीखा है क्या? है, लगता है बेचारी चिड़िया रानी का कुछ ज्यादा ही खिला दिया मैंने, पेट खराब हो गया मेरे को तो लग रहा है इसका। बताओ यार टाइम ही बदल गया, आजकल तो बड़े अजीब खिलौने आते हैं। तो दर्शकों, अब हम खेलने वाले हैं बहुत ही ज्यादा गजब हेयर सलून प्ले। ये खिलौना तो मुझे भी पता है क्या है, पर ये समझ नहीं आया। अभी हम इस छोटे से बच्चे का सर बनाने वाले हैं। ओके, ये वाला टॉय सेट तो बहुत क्यूट है, देखो यहाँ पे तो कैंची भी दे रखी है, कितनी छोटी सी और क्यूट सी है। और ये शायद हमको अटैच करना है यहाँ पे, देखता हूँ क्या ही होगा। ओ ये तो गलत है, पहले वहाँ कुछ लगा के प्रेस करना था। जिमिन का मैसेज देखना हो भी, यार ये पक्का बच्चों के लिए सही है भी या नहीं, अजीब सा लग रहा है। अब ये क्या है, क्या ही करना है, इससे समझ नहीं आ रहा। अगर बड़ों को ये खिलौना समझ नहीं आ रहा तो बच्चे कैसे खेलेंगे इससे। है हाँ, सॉरी बात तो सही लिखी शुगा ने। वैसे यार बात तो ये भी है कि हम बूढ़े हो गए हैं, आजकल के बच्चे पता है बहुत ज्यादा चालू हैं, बचपन से सब कुछ सीख जाते हैं, आराम से कर लेंगे वो तो ये सब। यार अभी इस फ्लेमिंगो को चुप कराना, अभी क्यों बैठी है वो वहाँ? क्या बोल रहे हो, फ्लेमिंगो को दूर भगा दो। नहीं यार, इतनी प्यारी फ्रेंड है मेरी, ऐसी क्यों बातें कर रहे हो तुम बेचारी के बारे में? ये नहीं गई तो मैं चला जाऊंगा शो छोड़ के। अरे जिन भाई कैसी बातें लिख रहे हो आप, ओहो बच्चों वाली चीजें कर रहे हैं बिल्कुल। ये लो बंद कर दिया मैंने, अभी नहीं बोलेगी ये। हाँ ओके,
2000 years later. दर्शक अब हम फाइनली बाल बनाने वाले हैं। शायद क्ले यहाँ पे रख के प्रेस करनी है। हाँ, वैसे इसका शाइनी हेड बहुत क्यूट लग रहा है। अभी भाई, फाइनली आपने ये टॉय फिक्स कर दिया है? ओए, आ रहे हैं बाल बाहर यहाँ से तो। ओहो, फाय, कसम हो गया ये तो। अहे, क्या हो गया यार? अभी देखना इसके कितने बढ़िया बाल आएंगे। ये तो कसम भी हो गया। ऐसा लग रहा है होबी ने तो गंजेपन की दवाई ही बना डाली। फॉर योर लाजवाब चीज है ये तो। सही में देखना कितने बढ़िया बाल आ रहे इसके बाहर। है इतने क्यूट और कूल खिलौने हमारे टाइम में क्यों नहीं आते थे, समझ नहीं आ रहा यार मेरे को। वैसे इन बालों में रैपर सा लग रहा है ये। टेंशन ना लेना दर्शकों, अभी हम थोड़े थोड़े ट्रिम कर देंगे इसके बालों को। है हम काट भी सकते हैं इनको, बस जरा सा साइड से ट्रिम कर देता हूँ, फिर देखना क्या कूल लगेगा ये। वाह, ये तो सही में कट रहे हैं। वाह देखो तो ये बच्चा कितना क्यूट लग रहा है इन बालों में, एकदम नेमार कट हो गया इसका तो। है क्या वीके जैसा नहीं लग रहा है वो? हाँ पर ऐसे सही में बाल आते हैं। है कुकी तो कंफ्यूज हो गया। ओके दर्शकों अब हम खेलेंगे मैजिकल पेड़ से जो पानी गिरते ही ग्रो हो जाएगा। One eternity later. युंगी ने लिखा है कि फ्लेमिंगो वाला सबसे बढ़िया था। कहीं नहीं ये पेड़ वाला भी अच्छा है बहुत। है ओ तेरी यार ये उग भी गया, मैं तो डर गया इसको देख के। वाह अभी तो पानी डाला था तूने, इतनी जल्दी उग कैसे गया ये पेड़? तब भी तो मैजिकल बोल रहा था मैं, और पानी डाल देता हूँ इसमें भी। ओ कर गया ये भी, वाह कुसुम है यार ये तो। हाँ वही देखो ये वाला फूल भी उग गया। वाह यार बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ना ये सारे खिलौने गजब है ना। मेरे बचपन में तो एक भी ऐसा खिलौना नहीं था मेरे पास यार। हाँ हमारी उम्र के बच्चों के साथ तो बहुत बड़ी चीटिंग हुई। अब दर्शकों तुम सब बताओ क्या करना है आगे, ये खजाने वाला देखे तो ये चैट बॉक्स में वी का मैसेज तो देखो। ये क्या लिखा है, वी ने 50,000 दूंगा अगर फ्लेमिंगो का टॉयलेट सीट का पानी पीगा तो। यार कितनी गंदी सोच है तुम्हारी, क्या चीजें लिख रहे हो। यार भी तो बहुत बेकार है, ये ले इस चिड़िया को दोबारा ऑन कर देता हूँ, चिल्लाती रहेगी तुम्हारे कानों में ये। तो देखो ये वॉशिंग मशीन भी चल रही है। यार सारे खिलौने कितने ज्यादा क्यूट है ना। हाँ अब लास्ट खिलौने की बारी। अब क्या लिख रहा है वी? इस वी ने फिर कमेंट किया है, क्या लिखा है, 7,40,000 डॉलर डिपॉजिट कर दिए। वाह अमीर है भाई बड़ा तू। असली में दिए होते तो मानते ना हम, ऐसे कैसे मान ले भाई। मैं तो मजाक कर रहा था। चल भाई अभी शुरू करना ज्वेलरी वगैरह ढूंढना, कितना टाइम लगाएगा यार। अरे यहाँ कर तो दिया। वन शॉट इन लाइफ अभी। हाँ सही बात है, अभी देखता हूँ यार इसके अंदर क्या ही निकलेगा। ओह पर इसको पहले तो पानी में डालना पड़ेगा ना मेरे को। देखते हैं पूरा डिजोल्व होगा ना, उसके बाद ज्वेलरी निकलेगी इसके अंदर से, कुछ भी निकल सकता है इसके अंदर। है यार कितने जल्दी बड़े हो गए ना हम। हाँ अभी तो कुछ ज्यादा ही मासूम भी नहीं रहा तो बिल्कुल। दर्शकों ध्यान से देखना कुछ भी हो सकता है अंदर। अरे भाई चलना जल्दी, कितना सस्पेंस बनाओगे अभी भाई। अरे मेरे को क्यों बोल रहे हो यार, पहले घुल तो जाने दो इसको एक मिनट, अगर कुछ ढंग का नहीं हुआ तो हम शो छोड़ के भाग जाएंगे। रुको यार सब्र रखो, पूरा घुला नहीं है, मेरे को खुद ही निकालना पड़ेगा। काश कुछ बढ़िया चीज निकल आए इसमें से। हो ये तो टूट गया। अरे यार ज्वेलरी तो नहीं टूट गई इसके साथ बीच में से ही है। तो ये निकला इसमें से। हाँ ये तो बहुत छोटा है, कुछ भी ढंग का नहीं है यार, इतने देर से वैसे ही आस लगा के बैठे थे हम। अब टाइम आ गया शो को खत्म करने का, ज्वेलरी तो अच्छी नहीं निकली पर आई होप मेरे को तुम लोग अपना ज्वेल बना के रखोगे बिल्कुल। अहो कैसी चीजी लाइंस मार रहा हो अभी। थैंक यू आर्मी और मेरे BTS के प्यारे से मेंबर्स, अभी मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना, फिर मिलेंगे। और ये लो आप लोगों के लिए ज्वेलरी।